पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इंदौर के प्रशासनिक संकुल पहुंचकर कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात की, जहां सुमित्रा महाजन ने लोकमाता देवी अहिल्या के स्मारक बनाने को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह से चर्चा की। वहीं सुमित्रा महाजन ने कहा, इंदौर में देवी अहिल्याबाई के चरित्र का वर्णन करते हुए स्मारक बनाना चाहिए, जिसमें अलग अलग प्रसंगों का चित्रण होना चाहिए, ताकि इंदौर आने वाले लोग लोकमाता देवी अहिल्याबाई के जीवन को नजदीक से जान पाए। ताई ने स्मारक को लेकर कहा कि स्मारक को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है। आप सबको मालूम है, कई सालों से मेरे मन में एक बात है कि देवी अहिल्याबाई का स्मारक इंदौर में, स्मारक यानी कोई उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं। लोग यहाँ आते हैं कि क्यों अहिल्याबाई श्रेष्ठ थी, तो उनके कार्य क्या थे, उन्होंने कैसे काम किया, उन्होंने न्याय कैसे दिया, क्या ये एक पूरा अहिल्याबाई का चरित्र एक स्मारक के रूप में, जिसमें अलग अलग प्रसंगों को चित्रित करके बताए, कुछ करे, ऐसा एक मेरे बहुत सालों से मन में इच्छा चल रही है, कब से प्रयास कर रही हूँ। एक दो बार मुख्यमंत्री से भी बात हो गई तो उन्होंने कहा हाँ ताई, बहुत अच्छे तरीके से बनाना था, हम भी मदद करेंगे। कृषि कानूनों एवं